Today we will discuss about what is circular flow of income and give meanings of real flow and money flow along with stock and flow concepts, right? What is meant by circular flow of income? Circular flow of income का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले जब households अपनी factor services firms को देते हैं, households, who are households? Households like landlords, laborers, capitalists, entrepreneurs, etc. Whenever they render their services to the firms, ठीक है, तो उनकी services के बदले में firms उन्हें factor payment करती हैं, ठीक है, in the form of rent, wages, interest and profit. Factors चार होते हैं, land, labor, capital, entrepreneur. तो factor incomes भी कितनी होंगी? चार ही होंगी, rent, wages, interest and profit. ठीक है, तो जब households अपनी factor services firms को render करते हैं, तो firms उन्हें उनकी services के बदले में, factor services के बदले में, productive services के बदले में payment करती हैं, in the form of rent, wages, interest and profit. हाउसहोल्ड्स के हाथ में इनकम आ गई, अब वो इस इनकम को अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इनकम कहां से स्टार्ट हुआ? फर्म से स्टार्ट हुआ. किसकी तरफ? हाउसहोल्ड्स की तरफ. इन द फॉर्म ऑफ, इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, देन इट रिटर्न्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउसहोल्ड्स ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Such circular flow of income are of two types, real flow and money flow. Okay? Real flow means flows of goods and services. Real flow means flows of goods and services. Why it is called real? Because it is really made of goods and services. Money doesn't involve. On the other hand, on the contrary, money flow means flows of money between household sector and firm sector. Okay? Okay? That is the meaning of circular flow of income, real flow and money flow. Okay, now I'm going to start the another concept of today, that is stock and flow. How would you differentiate between stock and flow? Dono mein aap differentiation kaise karenge? Concept kya hai? Stock. Stock is a quantity of a variable that is measured at a specific point of time. Stock kisi variable ki us quantity ko kaha jata hai jise point of time par measure kiya jata hai. और ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज की फिक्स क्वांटिटी की ओर इशारा करता है. मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, देन आई वुड से डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. बेटा वो दो बातें ध्यान रखिएगा जो मैंने बोली थी. पहली बात, स्टॉक के बारे में, डज कंसर्न विद पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड दूसरी बात, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज की बंधी मात्रा यानी फिक्स क्वांटिटी की ओर इशारा करता है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है, दो प्लेसेस, वो दो प्लेसेस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, ना वो घट सकता है ना वो बढ़ सकता है, इट कैन नाइदर बी इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज. डिस्टेंस जितनी दूरी है उतनी रहेगी, ठीक है, ना वो घटाई जा सकती है ना उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है. वाटर इन अ टैंक, ठीक है, अब एक वाटर टैंक में जितना भी पानी अवेलेबल है आप उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, वो फिक्स क्वांटिटी की ओर इशारा कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक कॉन्सेप्ट. अब उल्टा करिए, इसका अपोजिट करिए, तो आपको फ्लो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. फ्लो इज अ क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल विच इज मेजरेबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इसे पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मेजर किया जाता है और ये किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान उस वेरिएबल में होने वाले चेंज की ओर इशारा करता है. फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, स्पीड को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. स्पीड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल. सिमिलरली, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम, दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आज हमने समझा वट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एंड वट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.